तो भाई ये देखो, ओला इलेक्ट्रिक टेस्ट राइड से पहले ही जो है खराब हो चुका है यहाँ पे, और लोड कर रहे हैं इसको। तो ये देखो, देख रहे हो। सो भाई आज मैं भी जो है आया था ओला स्कूटर को देखने, और देखने को मेरे को ये मिला, मतलब रास्ते से मैं निकल रहा था और वहाँ पे ये देखने को मिला मेरे को कि जो टेस्ट ड्राइव उनकी चल रही है ना, टेस्ट राइड, इनके बीच में इनके पता नहीं कितने ही तो स्कूटर खराब हुए हैं। मतलब हर दूसरा स्कूटर इनका खराब हो रहा है। 8 से 10 इनके स्कूटर आए, जिसमें से 3-4 तो इनके खराब होके खड़े इनकी पार्किंग में। ठीक है, तो ये हालात है भाई ओला के। अब मेरे को नहीं पता फ्यूचर कैसा है इसका। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनको मतलब यार शर्म भी नहीं आती टेस्ट राइड के लिए, ऐसे मना कर देते हैं कि भाई जिन्होंने पेमेंट कर रखी है उन्हीं को देंगे। मतलब क्या मतलब हुआ यार, कोई लेने की सोच रहा हो तो मतलब 30-40 हज़ार रुपये दो इनको पहले, उसके बाद में टेस्ट राइड लो। और उसके बाद में यदि आपको पसंद नहीं आती है ना, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बिकॉज रिफंड इतनी जल्दी तो कर नहीं देंगे। जो 500-500 रुपये वही बंदों के महीने महीने भर में आए हैं, तो ये 30-40 हज़ार रुपये लेंगे, वो क्या कर देंगे रिफंड? तो सिरदर्दी बन जाएगी आपके लिए एक। तो यही बोलूंगा, पहले ओनर से प्रीव्यू आने दो। और जिस हिसाब से इनके स्कूटर्स खराब हो रही है ना, जो टेस्ट राइड वाली, ये क्या है, इनकी स्कूटर आई अभी 8 से 10, तो आधी तो इनमें से खराब ही हो चुकी है, किसी में कोई प्रॉब्लम है किसी में कोई। तो ये सीन हो रहा है इनके जो स्टार्टिंग टेस्ट राइड यूनिट्स हैं इनके साथ ही। जब आपको मिलेगी ना, तो उसमें तो पता नहीं क्या ही सीन होगा, तब क्या कह सकते हैं यार इसको। तो मैं तो यही बोलूंगा, पहले ओनर से प्रीव्यूज वगैरह आने दो, उसके बाद में कराना अपनी पेमेंट वगैरह। अभी तो जिन्होंने कर दी उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज जिन्होंने कर दिया वो तो कैंसिल करेंगे, तो भी वो तो फिर उनके लिए हेडेक बन जाएगी एक। और जिन्होंने नहीं किया तो वो भाई थोड़ा सोच समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इनकी अभी चल रही है टेस्ट राइड वगैरह, जिसमें से ऐसे स्कूटर रोड पर खड़े हैं ख़राब हो के, जबकि ये ज़्यादा चले भी नहीं है, 60-70 किलोमीटर हाईएस्ट चले हैं, क्योंकि 2 दिन से ही तो हो रही है टेस्ट राइड, और दिन में कितने चला रहे हैं, 30-30 किलोमीटर, ज़्यादा 30 से 40 किलोमीटर। तो ये हाल है इनका फर्स्ट 100 किलोमीटर में ही। तो अब बंदा मतलब कैसे लेगा यार। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, देखो फिलहाल ना बुक कराओ ना पेमेंट करो तो ज़्यादा बेटर होगा। जिन्होंने कर दिया वो तो भाई वेट कर लो इसकी डिलीवरी के लिए, लेकिन जो सोच रहे हैं भाई, उनको मैं साफ मना करना चाहूँगा, 1-2 साल पहले चेक कर लो अच्छे से। बाकी ओनरशिप रिव्यू हम भी लेके आएंगे, तो अच्छे से पहले देखते हैं कैसी चलती है कैसी नहीं चलती, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई आप मेरी वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के स्कूटर को बाय करो, परचेज करो, और उसके बाद में आपको हर दूसरे दिन इनकी सर्विस का सहारा लेना पड़े। मतलब वो सर्विस सेंटर भी कहीं नहीं है, बस आपके घर पे बंदा आएगा, ठीक है, और वो फिर मतलब डेली का फिर आना जाना हो जाए। क्यों, जब पहले ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है 100 किलोमीटर के अंदर, तो बंदा चलाता जाएगा तो और कितनी दिक्कत आएगी। तो अभी इस पर ट्रस्ट करना बेकार है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप भाई सोचो, आपका दिमाग है आपका पैसा है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। बाकी कोई भी डाउट हो, मेरे से कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ लो। बाकी मैं तो भाई मिलता हूँ भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।